हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए। तो ये मैंने 7 टमाटर, ये लाल लाल हैं पके हुए, जिसको मैंने पानी से धो लिया है। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने जीरा लिया है और ये तेज पत्ता है और ये एक मैंने लाल मिर्च ली है और ये अदरक है और ये गुड़ है। तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। अब मैं ये सारे टमाटर इसमें डाल दूंगी और इसमें आधा ग्लास पानी और इसे मैं ढक्कन बंद करके 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। ये आप देख सकते हो कि ये जो मैंने टमाटर पकने के लिए दिया था ये कितने अच्छे से पक गई है और ये इसका छिलका ये निकल रहा है। तो बस मुझे इतना ही पकाना था। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इस टमाटर को इससे निकाल के एक अलग बर्तन में रख दूंगी और इसको और ठंडा होने के बाद इसको मैं हल्का सा स्पून से ही मैश कर दूंगी। आप देख सकते हो कि मैंने इसका जो छिलका है उसको निकाल दिया है और मैं इसको स्पून से हल्के से इस तरीके से मैश कर दूंगी। ये मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है, अब इसमें मैं एक स्पून सरसों तेल डालूंगी। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो या फिर आप कोई हो जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं सरसों तेल डाल रही हूँ तो आपको यही डालना है, आप अपने पसंद के हिसाब से तेल डाल सकते हो। मैंने तेजपत्ते को तोड़ के इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा पक जाने के बाद इसमें लाल मिर्च और अदरक भी डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये आप देख रहे हो ये सारी चीजें अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी। करेंगे और मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी जो मैं पहले बताना भूल गई थी। नमक मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, मैं पहले भूल गई थी बताना। और नमक आपको थोड़ी सी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हम लोग इसको इसकी मीठी चटनी बना रहे हैं। अब मैं फिर से इसको ढक दूंगी और 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। हो गए हैं, अब मैं ढक्कन को हटाऊंगी और आप ये देख रहे हो कि ये कितने अच्छे से टमाटर जो है पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। हम टमाटर खट्टा होता है तो इसमें गुड़ मैं ज्यादा डालूंगी। मैं इसमें 2.5 चम्मच गुड़ डालूंगी। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हो। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। और इसको ढक के 2 मिनट तक और पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और आप ये देख सकते हो कि ये टमाटर की चटनी बनके
रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। जैसे बच्चे को जैम बहुत पसंद होता है तो जैम की जगह पे आप इसे दे सकते हो, ये बहुत बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है।